हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ गूगल क्लासरूम ऐप में आपको लॉगिन कैसे करना है। आपकी आईडी पासवर्ड्स आपके पास हैं, आईडी और पासवर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं गूगल क्लासरूम में लॉगिन करने के लिए। आपको ऊपर ये ऐप दिखाई दे रही होगी, ये है हमारी गूगल क्लासरूम ऐप। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ ऊपर जो आइकन आपको दिख रहा है फ़ोटो के साथ में, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये इस आइकन, यहाँ जो सर्कल है उस पर आपको क्लिक करना है। जो मैं आपको, आप जब उस सर्कल पर क्लिक करेंगे जो मैं आपको बता रही थी, तो वहाँ पर आप या तो आपके लिए सीधे डायरेक्ट लॉगिन के लिए पूछेगा अगर आपने कोई भी आईडी से लॉगिन नहीं कर रखा है, और यहाँ पर वरना आपकी अगर आईडीज ऑलरेडी लॉग्ड इन होंगी तो यहाँ पर नीचे ऐड अनदर अकाउंट होगा, आपको इस पर क्लिक करना है ऐड अनदर अकाउंट पर। ये देखिए मैं आपको ग्रीन कलर के पेन से टिक करके बता देती हूँ कहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड अनदर अकाउंट पर। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ये गूगल, जैसे ही आप उस पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपको ये शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको अब किस पर क्लिक करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप देखिए जैसे ही आप गूगल पर क्लिक करेंगे ये आपकी इन्फो चेक करने लगेगा, थोड़ी देर तक वेट करना है। अब यहाँ वो आपको आपका ईमेल और फ़ोन एंटर करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आपको अपनी आईडीज, जो आपके पास आईडीज हैं जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं, वो आईडी को टाइप करना है। यहाँ मैंने अपनी आईडी को टाइप कर लिया जिससे मुझे लॉगिन करना है। नीचे आपको नेक्स्ट का आइकन शो हो रहा होगा, NEXT, ये वाला आइकन नेक्स्ट, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर वो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हो सकता है वो आपसे फिर से आपका एक बार पासवर्ड पूछेगा, तो आपको फिर से अपना पासवर्ड टाइप करना है। और पासवर्ड के साथ साथ वो आपसे नीचे कैप्चा के लिए पूछेगा, वो भी आपको टाइप करना है। देखिए आप ऑलरेडी लिखा हुआ है कि HOLECROPL, तो आपको ये नीचे टाइप करना है, जो भी टेक्स्ट आपके पास आएगा आपको वो टाइप करना है और ऊपर अपना पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कर देंगे। उसके बाद इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलेगा, वेलकम टू योर न्यू अकाउंट। आपको नीचे जाना है और आपको ये एक्सेप्ट का आइकन दिख रहा होगा, आपको ये एक्सेप्ट नीचे ये इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि वो आपको खुद का पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आईडीज और पासवर्ड्स जो हैं वो स्कूल से बनकर आए हैं, सारे कॉमन हैं, जो पासवर्ड्स हैं वो सबके कॉमन हैं। तो आप जैसे ही पहली बार अपना पासवर्ड स्कूल के पासवर्ड से लॉगिन करते हैं वो आपको अपना पासवर्ड बनाने के लिए कहता है। आपको यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको टाइप करना है, दोनों बार टाइप करना है, क्रिएट पासवर्ड में भी और कंफर्म में भी।
यानी कि आपको एक तो यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखना है, जो नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, और वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर भी लिखना है। दो बार आपको सेम पासवर्ड लिखना है जो आप नया पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। उस पासवर्ड को कहीं पर लिख लेंगे ताकि आपको वो याद रहे। अब जैसे ही आपने अपना पासवर्ड दोनों जगह पर लिख लिया है, उसके बाद आपको नीचे ये नेक्स्ट का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही उस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए इस तरीके से आएगा, आपको यहाँ पर आई अग्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई अग्री पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ देखिए फिर से गूगल यहाँ पे वैसे ही जैसे स्टार्टिंग में शो हुआ था। अभी फिर से चेकिंग इन्फो शो कर रहा है। यहाँ पे आपने आईडी डाल दिया, उसके बाद आपको फिर से यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर ये शो हो रहा है दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन योर डिवाइस, इसका मतलब आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, बैक जाना है। अब आप बैक जाएंगे, आपको यहीं पर ये ऊपर जो आइकन है, अब आपको वहीं पर जहाँ पहले क्लिक किया था ऊपर, ये इधर यहाँ पर जाकर क्लिक कर रहे हैं। अब आप देख सकते होंगे जैसे मैंने उस आइकन पर क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको एक और आईडी शो हो रही है, आदित्य कुमार शाह 3A, यानी कि वो आईडी लॉगिन हो गई है। आपको अब इस आईडी पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको, अब आपको इस पर क्लिक करना है, आदित्य कुमार शाह जो भी आपकी आईडी है, मैंने इस आईडी से लॉगिन किया था। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं ये लोड हो रहा है, और आप यहाँ देख पाएंगे काफ़ी सारी क्लास रिक्वेस्ट आई हुई हैं। यहाँ देखेंगे आप कंप्यूटर, म्यूज़िक, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट एजुकेशन, तो ये सारी की सारी क्लासेस से क्या आई हुई हैं, रिक्वेस्ट्स आई हुई हैं ज्वाइन करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पर ये, जैसे कि ये इंग्लिश की क्लास है, तो यहाँ आपको ज्वाइन दिख रहा है। अभी आपकी आईडीज़ न्यू हैं, आपको टीचर्स रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो यहाँ पर आपको ज्वाइन का इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स का लिंक शो होने लगेगा जैसे ही रिक्वेस्ट आती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करना है। अगर किसी टीचर ने रिक्वेस्ट भेजी है तो आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। जैसे ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये सारा चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको शो होने लगेंगी, क्लास 3A इंग्लिश। आप पीछे जाएंगे, अब देखिए
अब यहाँ पे ज्वाइन का आइकन शो नहीं हो रहा है और ये आपकी क्लास यहाँ पर शो हो रही है, ये आपकी ये देखिए। अब यहाँ पर ज्वाइन का आइकन शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया है। आप अब इस क्लास पर क्लिक करेंगे तो आपको अंदर जाकर ऐसा कुछ शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ने अपना काम अपलोड किया हुआ है। यहाँ देखिए स्ट्रीम में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना काम अपलोड कर सकते हैं। शेयर विद योर क्लास, शेयर विद योर क्लास आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई काम किया है, समझ लीजिए आज आपको न्यू वर्ड्स दिए गए थे तो न्यू वर्ड्स लिखेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे और अपना नाम लिख देंगे। और यहाँ ऊपर आपको ये आइकन दिख रहा है अटैचमेंट का है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको क्या शो हो रहा है, ड्राइव लिंक फाइल टेक फोटो रिकॉर्ड वीडियो आप और न्यू पीडीएफ। आप यहाँ पर कुछ भी अपलोड कर सकते हैं जो भी क्लास से रिलेटेड काम है। लिंक, अगर आप कोई लिंक अपलोड करना चाहते हैं अपनी वीडियो का, फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो फाइल पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोई फ़ोटो क्लिक करके अपलोड, अपने काम की फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ टेक फ़ोटो, वहाँ से आप सीधे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। रिकॉर्ड वीडियो, अगर आपको कोई एक्टिविटी मिली है जो आपको वीडियो अपलोड करनी है जिसमें, यहाँ पर जाकर आप वो भी कर सकते हैं। अगर कोई ड्राइव का, अगर कोई वीडियो आपकी ड्राइव में है तो ड्राइव के लिए भी आपको लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आप अपना काम अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये मैं एक फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। अगर इस पर आप ये देखिए टिक है, इस पर क्लिक करना है। अब ये देखिए July 30, 2021 आपने अभी आज क्लिक किया एक पिक, अब ये आपकी फ़ाइल में अटैच हो गई है ये फ़ोटो। अब आपको ऊपर ये एरो दिख रहा है, ये एरो, इस पर आपको क्लिक करना है अपना काम भेजने के लिए। आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ देखिए आदित्य कुमार शाह 3A न्यू वर्ड्स, ये आपका काम शो होने लगा है यहाँ पे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका ये फाइल, और इस पर क्लिक करेंगे तो जो पिक आपने अपलोड करी थी वो यहाँ शो होने लगेगी। ये देखिए बैक जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना काम अपलोड करना है जहाँ शेयर विद योर क्लास लिखा हुआ है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ पर जाकर आपको अपना काम अपलोड करना है। आप अपना क्लास वर्क कहाँ देख सकते हैं, नीचे आप दिख रहा होगा आपको, नीचे आपको दिख रहा होगा क्लास वर्क, ये इस पर जाना है आपको अपना क्लास वर्क। आज टीचर ने आपको क्या क्लास वर्क दिया है वहाँ पे आपको अपलोड हुआ हुआ मिल जाएगा। ये देखिए समर वेकेशन होमवर्क, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स, मिस्टर नोबडी, द मुंबई म्यूजिशियन, ये सारा आपका जो है क्लास में काम हुआ होगा या होमवर्क होगा आपका। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या काम मिला है। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, टायर्ड म्यूजिशियन, पीप, डिलीशियस, गोस, केयर। तो यहाँ पे आपको अपना क्लास वर्क, होमवर्क, जो भी आपको असाइनमेंट अलॉट किया गया है टीचर के द्वारा, वो आपको सारा का सारा यहाँ मिल जाएगा। ये पीपल वाला कॉलम है, इसमें आपको आपकी क्लास में कौन कौन बच्चे हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। टीचर्स वाले कॉलम में कौन कौन टीचर्स इस क्लास में हैं, और क्लासमेट्स में आपको नीचे क्लासमेट्स शो होंगे, कौन कौन आपके क्लासमेट्स हैं। इसी तरीके से आपको लॉगिन करना है और अपनी क्लासेस को ज्वाइन करना है। क्लासेस को ज्वाइन करने का एक और तरीका है, अभी आप इस 3A इंग्लिश क्लासरूम से बाहर आएंगे, आपको यहाँ नीचे प्लस का साइन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आस्क योर टीचर फॉर द क्लास कोड देन एंटर इट हियर। ओके, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट क्लास कोड हैं, मतलब अगर इंग्लिश है, मैथ्स है, ईवीएस है, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्लास कोड हैं, आपको वो क्लास कोड्स भी भेज दिए जाएंगे।
अगर आप यहाँ पर कोई हिंदी का क्लास कोड एंटर करते हैं तो आप क्या करेंगे, हिंदी की क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्लास कोड अपने सब्जेक्ट का टाइप करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप वो क्लास कोड टाइप कर देंगे, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्वाइन क्लास कोड टाइप करने के बाद आपको ऊपर ज्वाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली उस क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। ये भी तरीका है क्लास को ज्वाइन करने का। एक तरीका क्या है, बैक चलते हैं। एक तरीका है कि आपको टीचर ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की रिक्वेस्ट आई होगी ज्वाइन करने के लिए। सीधे ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। एक तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया, प्लस पर ये जो नीचे आपका आइकन है प्लस, इस पर क्लिक करना है और क्लास कोड यहाँ पर डालेंगे और ऊपर ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। ये भी तरीका है आपका ज्वाइन करने का क्लासरूम को। दो तरीके हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती थी आपको कि कैसे आपको गूगल क्लासरूम में लॉगिन करना है और कैसे आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे अपना काम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।